सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेश आपका सॉन्ग करंट हमारे काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है और मतलब भी उस पे नाचने का मन थैंक यू थैंक यू सो मच बताइए कैसे आपको मतलब कैसा कैसा लगा सॉन्ग शूट करके रहा आपका एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अमेजिंग रहा एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज समथिंग व्हिच आई हैवंट डन बिफोर मतलब मैंने म्यूजिक वीडियोस पहले तो किए हैं लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है थोड़ा दिस इज माय न्यू अवतार आप जिसे कह सकते हो इस सॉन्ग में जो सबको देखने को मिल रहा है इट्स मोर ग्लैमरस इट्स वेरी नाइस एंड द म्यूजिक इज आल्सो वेरी कैची वेरी अपट And uh, I'm getting a lot of appreciation from all my fans. The good thing is that you know they accepted me in my new aftar. And uh, it's very groovy and they're liking the music. And it's more like a club number, party number. So everybody is really liking my dance moves. And I'm dance Dancing is my passion. And in this video, I didn't have dance moves. And yeah, with my nice, nice expressions. So fans actually said that they re they really liked my expressions.

एक्चुअली म्यूज़िक वीडियोस की एक अलग ही जर्नी चल रही है मतलब टीवी शोज़ एंड अदरवाइज़ वेब शोज़ वगैरह तो चल रहे हैं लेकिन साथ साथ अब म्यूज़िक वीडियोस भी चल रहे हैं और बेस्ट पार्ट होता है म्यूज़िक वीडियोस का कि ये ना एक दो दिन में आपके शूट ख़त्म हो जाती है ऑफ कोर्स कभी कभी इसके पहले भी जो मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं उसकी शूट दुबई में एक म्यूज़िक की वीडियो एक म्यूज़िक वीडियो की शूट दुबई में हुई थी एक की थाईलैंड में हुई थी uh, लेकिन ये वाली करंट मारे बॉम्बे में हुई है सो वहाँ मुंबई में एक क्लब है वहाँ पे वी शॉर्ट फॉर दिस एंड Um, तो ये म्यूज़िक वीडियो बेसिकली इस पर जी म्यूज़िक कंपनी एंड इसके पहले जो मेरे दो म्यूज़िक वीडियोस लॉन्च हुए हैं तो मेरे ख्याल से दे सॉमी लाइक फ्यू पीपल सॉमी देयर एंड दे रोली लाइक डिट जो इसके पहले वाले मेरे म्यूज़िक वीडियोस थे तो वो देख के फिर मुझे ये वाला म्यूज़िक वीडियो ऑफर हुआ

अगर तुम ना होते वॉज़ वेरी नाइस मेरा कैरेक्टर नियति का था एंड शी वॉज नर्स एंड बेसिकली स्टोरी ये थी कि नियति uh, अभी मनी जो मेंटली अनस्टेबल uh, है उसको संभालती है एंड आगे जाके फिर उससे शादी कर लेती है सो so ये बहुत ही इच्छा इट वॉज़ अ वेरी नाइस रोमांटिक लव स्टोरी और बहुत ही ग्रिपिंग थी ऑडियंस को आई थिंक पूरा शो बहुत ही अच्छा लगा और अभी ये शो रिसली uh, मुझे पता चला कि अरेबिक में डब होकर इट्स कमिंग इन मिडिल ईस्ट और दुबई उबई में सब ऐसा ही जा रहा है शो तो इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया बट इट्स यू नो ट्रेवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड सो इट्स अक्रॉस द वर्ल्ड सो एम रियली हैप्पी अबाउट इट सो यूट इट इट्स अ नाइस फीलिंग यू नो वैन पीपल वॉच यर शो एंड अभी तक मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि सीजन टू आना चाहिए अगर तुम ना होते हम लाइक या आई होप सो लाइक या अब अगर ग्लैमर और एंटरटेनमेंट के अलावा बात करूं तो फिटनेस भी मतलब आपको काफी पसंद है और आपने प्रो कबड्डी लीग भी होस्ट किया है तो क्या आप कहना चाहेंगे आप स्पोर्ट्स के बारे में एक्चुअली अगर तुम ना होते के बाद आई वज लाइक मेरे को ना मज़ा आता है आई आई लाइक डूइंग डिफरेंट डिफरेंट स्टाफ ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स सो अगर तुम ना होते वॉज ऑन जी टी वी तो उसके बाद मुझे लगा कुछ डिफरेंट करते हैं सो देन आई जॉइन स्टार स्पोर्ट्स तो वहाँ पे मैंने एंकरिंग करी प्रो कबड्डी लीग की तो हम लोग मैं हर रोज़ स्टार स्पोर्ट्स के ऑफिस में जाती थी और वहाँ पे स्टूडियोज़ हैं और वहाँ पे सिर्फ कबड्डी नहीं क्रिकेट भी तो आपका जो आई होता है आपका पी हो गया प्रो कबड्डी लीग फुटबॉल हो गया सब उन्हीं स्टूडियोज़ में शोज़ उसके रिकॉर्ड um, होते हैं शूट होते हैं एंड फोर लाइक अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस आई मेट इरफान पठान सर आई मेट हरभचन सिंह सर सो अलग भजी <laughs> एंड <laughs> जैसे मेरे साथ और भी कितने सारे क्रिकेट फैंस हैं तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया पता है मैं इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स से मिली और वो वहाँ पे आते हैं एंड uh, उनको ये पता चला सबको लाइक भजीसा गॉ टू नो दोबा सो इट वॉज नाइस Uh, फिर मैं अपनी नोबिता की आवाज़ में उनसे बात कर रही थी उनको ऐसे बता रही थी डायलॉग्स वगैरह एंड एवरीबडी एल्स ऑल्सो वॉज वेरी स्वीट लाइक द होल टीम वॉज़ वेरी स्वीट दैट तो बहुत मज़ा आता था वहाँ पर मेरे लिए एकदम एक डिफरेंट स्पेस uh, था और मुझे एंकरिंग करके फॉर स्टार स्पोर्ट्स मतलब मुझे बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगता था, था हर रोज़ मैं स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर आ रही हूँ एंकरिंग करती हूँ सो इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड आई लर्न डल्टो अलॉट फ्रॉम दैट Uh, मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और uh, अगर मैंने टीवी सीरियल में काम किया आपने मुझे वहाँ ढेर सारा प्यार दिया है जब मैंने जैसे स्टार स्पोर्ट्स की एंकरिंग करी है आपने मुझे वहाँ ढेर सारा प्यार दिया है अगर मैंने जैसे uh, कोई भी एक वेब शो किया अभी ट्रैवल शो किया आप सब ने वो भी देखा उसको बहुत पसंद किया आप नोबिता को तो पसंद करते ही हो तो आपने मेरे अलग 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 अवतार में मुझे पसंद किया है और अभी ये म्यूज़िक वीडियो जो करंट मारे आया है उसमें भी मेरा एकदम डिफरेंट अवतार है आपने मुझे उसमें भी एक्सेप्ट किया अप्रिशिएट किया सो और सपोर्ट किया और ढेर सारा प्यार दिया तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे ये ढेर सारा प्यार देते रहिए और बस बस आप बस ये प्यार और सपोर्ट की बारिश करते रहिए और ये कभी मत ये कभी मत रोकना थैंक यू थैंक स